2023 की महाभारत की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले बात करते हैं सीहोर में चल रहे ऑपरेशन जिंदगी की। सीहोर में ऑपरेशन सृष्टि जारी है। जी हां, सृष्टि वो जो 3 साल की मासूम बच्ची है और 100 फीट गहराई में जमीन के गर्भ में फंसी हुई है, उसे बाहर निकालना है, सुरक्षित बाहर निकालना है। और इसके लिए 30 घंटे के करीब होने को आए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन एक कोशिश नाकाम भी हुई है। बच्ची को 100 फीट का गहरा गड्ढा खोदा जाना इतना जल्दी मुमकिन नहीं है, लिहाजा हुक के जरिए बच्ची को फंसाकर ऊपर खींचने की कोशिश की गई थी। कामयाबी मिल भी रही थी, लेकिन एक मुहाने पर आकर यह कोशिश नाकाम हो गई। बच्ची को हुक में फंसाकर निकालने की कोशिश नाकाम हुई। बच्ची का सिर्फ फ्रॉक ही हुक में फंस पाया। आर्मी अपने मैकेनिज्म से बाहर निकालने की कोशिश लगातार कर रही है। पैरेलल डिगिंग का काम लगातार चल रहा है, लेकिन सृष्टि अब भी 100 फीट नीचे ही फंसी हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, ये सब लोग मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। सीहोर प्रभारी कलेक्टर आशीष तिवारी ने बयान दिया है कि हुक में केवल बच्ची की ड्रेस ही आई थी बाहर। बच्ची को निकालने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लगा हमें कि उसमें शायद बच्ची हमें ट्रेस हो गई है, लेकिन उसमें उस बच्ची की फ्रॉक आई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो न्यूज में चल रहा है कि बच्ची आ गई थी और दोबारा नीचे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल बच्ची के जो कपड़े हैं वो उसमें ट्रेस हुए। इंडियन आर्मी वाले कुछ अलग से मैकेनिज्म लाए हैं वो लोग, वो जिसमें वो नीचे जाके एक बेस सपोर्ट मिल जाता है, उससे लिफ्ट कर सकते हैं, उससे प्रयास किया जाए। और पैरेलली हम लोग लगातार आप जैसा देख रहे हैं, वो जो पैरेलल उत्खनन है जो लगभग 100 फीट पे जाके करना है, वो हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं। इसमें कितना डाउट है 100 फीट तक? जिस तरह का स्ट्रेटा है आप देख रहे हैं, बहुत हार्ड रॉक है। मुझे लगता है कि कम से कम। तो अब भी बच्ची उसी जगह फंसी हुई है 100 फीट नीचे। पहले कहा जा रहा था कि 20 या 30 फीट तक बच्ची हो सकती है, लेकिन वो खिसक कर नीचे चली गई। 100 फीट नीचे पहुंचकर बच्ची की स्थिति क्या होगी ये समझा जा सकता है। कोई 2 मिनट अंधेरे में नहीं रह सकता। बच्ची 100 फीट नीचे 25-26-27 घंटे से फंसी हुई है। 3 साल की मासूम बच्ची, अबोध बच्ची, उसकी जान मुश्किल में है। वासु हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीहोर से उनके पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं बच्ची की स्थिति कैसी है, कितनी देर में कामयाबी मिल सकती है, कब तक बच्ची को बाहर निकाला जा सकता है। क्या कह रहे हैं आर्मी के लोग जो हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, उनके एक स्पेशल टेक्निक के जरिए निकालने की कोशिश है। वासु, क्या उससे कामयाबी मिल रही है? बिल्कुल पुनीत, देखिए सृष्टि को बचाने के लिए लगातार जो प्रयास हैं वो बीते 27 घंटे से जारी है। अगर अभी मैं एक डेढ़ घंटे पहले का अगर वो जो पूरा वाक्या हुआ, जब मूवमेंट एकदम से तेज हुआ, तो उसकी वजह यही थी कि जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनके द्वारा जो अंदर हुक्स डाले गए थे, जो उनके द्वारा अंदर रॉड्स डाली गई थी, उसमें बच्ची कहीं ना कहीं कैप्चर हो गई थी, उसमें बच्ची कहीं ना कहीं फंस गई थी। लेकिन जब उसको ऊपर की ओर खींचा गया तो वहां पर बच्ची स्लिप हो गई और सिर्फ बच्ची की जो ड्रेस है, जो फ्रॉक है, वो सिर्फ ऊपर आ गई। और इसी दौरान सारी तैयारियां कर ली गई थी, एम्बुलेंस नजदीक आ गई थी, डॉक्टर्स की टीम बोरवेल के ठीक बाजू में खड़ी हुई थी और हम सबको ये उम्मीद जाग गई थी कि अब सृष्टि ऊपर आ गई है। लेकिन फिर भी वहां पर कामयाबी नहीं मिली और यही जानकारी निकलकर सामने आई कि बच्ची 100 फीट नीचे अभी भी फंसी हुई है। इसके बाद अब जो इंडियन आर्मी है उसने कोशिशें तेज कर दी है। एक खास तरीके के मैकेनिज्म के तहत बनाए हुए जो यंत्र है उसको लेकर अब इंडियन आर्मी के जो जवान है वो पहुंचे हैं, जिसके जरिए अब उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि जब ये जो यंत्र है वो अंदर जाएंगे तो कुछ इस तरीके से लॉक हो जाएंगे और लॉक होने के बाद एक बेस सृष्टि को प्रदान किया जाएगा जिसके जरिए उसको ऊपर पुल अप कर लिया जाएगा। कुछ इस तरीके का एक मैकेनिज्म बताया जा रहा है, ऐसी जानकारी दी जा रही है। हालांकि ये कितना कामयाब होगा और कब तक कामयाब होगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। दूसरी ओर पैरेलल खुदाई का काम चल रहा है। 40 फीट के करीब ये जानकारी हमें मिली है कि जो खुदाई है वो हो चुकी है और अभी काफी और खुदाई, करीब 60-70 फीट और भी ज्यादा जो खुदाई है उसको करने का काम अभी भी शेष बाकी है। तो उसमें तो काफी समय लग जाएगा। अगर उस मेथड से जाते हैं तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन और इस पूरे ऑपरेशन को लग सकते हैं। इसलिए रेस्क्यू टीम्स का ज्यादा जोर इस ओर है कि बच्ची को जो नया मैकेनिज्म आर्मी
जो लेकर आई है, जिसकी जानकारी प्रभारी कलेक्टर दे रहे थे, उसमें कामयाबी अगर मिल जाती है तो बच्ची जल्द ही ऊपर आ सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती पुनीत यही है कि बच्ची 100 फीट नीचे फंसी हुई है और वहां पर किसी भी तरीके के इक्विपमेंट को आप अंदाजा लगाइए कि आप 100 फीट ऊपर से किसी इक्विपमेंट को 100 फीट नीचे और वो भी एक बहुत सकरी जगह पे हैंडल कर रहे हैं तो वो कितना एक्यूरेट होगा, ये एक बड़ा सवाल और यह बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। बच्ची की ओर से कोई मूवमेंट नहीं है, ये भी एक बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। घर वालों का, ग्रामीणों का जो सब्र है वो अब जवाब देता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है, नजर आ रहा है। सब्र रखना होगा, सब्र रखना होगा, जाहिर सी बात है, सब्र इसीलिए रखना होगा क्योंकि एक जान का सवाल है, छोटी सी जान, जिसके लिए इतने सारे लोग, इतने सारे स्पेशलिस्ट, सभी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, अपने अपने तरीके से टेक्निक्स भी लगाई जा रही हैं और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन हम सुन रहे थे कि कलेक्टर साहब कह रहे थे कि हार्ड स्टेटा है, यानी कि पथरीली नीचे पत्थर या चट्टाने जो हैं उसकी वजह से और समय लग सकता है। ये हुक वाला मैकेनिज्म जो है ये कुछ गहराई तक तो शायद वासु काम कर जाए, क्योंकि हमको याद है कि राजस्थान में एक मामला सामने आया था जहां पर बच्चे को ग्रामीणों ने ही ऐसे ही सीधा का सीधा निकाल लिया था, लेकिन वो ज़्यादा गहराई में नहीं था। अब ये बच्ची 100 फीट की गहराई में, और ये पहले तो ये कहा जा रहा था कि 20 या 30 फीट जो केसिंग होती है वहां पर फंसी हुई थी, लेकिन ये इतनी नीचे फिसल कर चली गई, यही सबसे बड़ी समस्या इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में बनी है पुनीत। जब पैरेलल एक खुदाई का काम चल रहा था, डिगिंग का काम वहां पर चल रहा था, उस दौरान जो वाइब्रेशंस हुए उसके चलते ये बताया जा रहा है कि जो बच्ची है वो खिसक कर और नीचे जाती गई। 30 फीट के बाद बच्ची 50-60 फीट के गहराई में जाके फंसी और उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि 100 फीट तक जो बच्ची है वो पहुंच चुकी है। और जो एक पैरेलल मैकेनिज्म की और हुक मैकेनिज्म की जो हम बात कर रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, अगर कम हाइट पे बच्चा होता तो वहां से ऊपर से किसी भी मशीनरी को ऑपरेट करना, किसी भी मैकेनिज्म को ऑपरेट करना आसान होता है। लेकिन सिर्फ बहुत छोटे से एक गड्ढे में आप सोचिए कि 100 फीट ऊपर से अगर आप किसी मशीन को या किसी मैकेनिज्म को ऑपरेट कर रहे हैं तो वो कितना कठिन और कितना चुनौती भरा होगा, और वो भी बच्ची तक आपको पहुंचाना होगा और बच्ची के आसपास इस तरीके से उसको प्लेस करना होगा कि बच्ची उसमें फंस जाए और फिर उसको ऊपर आपको खींचना होगा। और ये भी एक बड़ी चुनौती है कि वो 100 फीट तक उस हुक में, उस मैकेनिज्म में बच्ची फंसी रहे ताकि वो ऊपर आ जाए। ये सबसे बड़ी इस समय चुनौती जो है वो इंडियन आर्मी के सामने भी है और तमाम जो रेस्क्यू दल है उनके सामने भी है। अब हम सब इंतजार कर रहे हैं कि कोई चमत्कार हो और बच्ची जल्द से जल्द ऊपर आए। प्रयास भरसक जारी है, जितनी कोशिशें की जा सकती हैं वो लगातार जारी हैं, कोई भी थका नहीं है, कोई भी रुका नहीं है, दुआएं और प्रार्थनाएं भी लगातार पुनीत जारी हैं, लेकिन रिजल्ट्स अब तक बहुत ऐसे नहीं आए हैं जिनको सुनकर हमें खुशी हो या हम बहुत खुशी के साथ अपने दर्शकों के साथ उन रिजल्ट्स को शेयर कर सके, उनको बांट सके। ये एक कहीं ना कहीं दुख की बात इस पूरे ऑपरेशन में बनी हुई है। स्केटा का आप जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है, बहुत हार्ड रॉक्स हैं, जब खुदाई हो रही है तो वहां से पत्थर ही पत्थर निकल रहे हैं मिट्टी की जगह, तो ये भी एक बड़ा चिंता का सबब बना हुआ है। और अगर 60-70 फीट और अगर डिग करना पड़ता है तो उसमें करीब 24-48 दो दिन लग सकते हैं उसमें, जाहिर सी बात है, जो जैसी सामने परेशानियां हैं, जैसी जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े बड़े पत्थर या चट्टाने जो आ रही हैं उससे बहुत समय लग सकता है। इसलिए प्रयास तो किए जा रहे हैं, वासु बता ही रहे थे कि आप खुद ही सोचिए कि 100 फीट नीचे आप किसी चीज को, बहुत सकरी जगह है, जरा सा गड्ढा है, उसमें ऑपरेट करना है, नीचे ऐसा मैकेनिज्म है वो कि उसको बच्ची के पास से ले जाया जाएगा और उसके बाद उसको नीचे प्लेट लगाई जाएगी ताकि बच्ची को ऊपर ऐसे खींचा जा सके, लेकिन ये इतना आसान है नहीं, प्रयास पूरे किए जा रहे हैं, आसान नहीं है, नजर बनी हुई है। शुक्रिया आपका वासु इस जानकारी के लिए, आगे भी अपडेट लेंगे।